नमस्कार, कैसे हैं आप? स्वस्थ हैं? अच्छे ही होंगे। जैसे कि आपको मालूम है कि अर्थशास्त्र का पाठ पालमपुर गांव की कहानी द स्टोरी ऑफ ए विलेज पालमपुर पाठ चल रहा है, और इस पाठ में मैंने आपको थोड़ी सी जानकारी पहले वीडियो में दी थी। दूसरे वीडियो में आज मैं आपको पालमपुर गांव के बारे में और जानकारी दूंगा। इस जानकारी में जैसे बहुविध फसल प्रणाली, क्या चीज़? बहुविध फसल प्रणाली। बहुविध फसल प्रणाली उसे कहते हैं जिससे कोई भूमि का एक टुकड़ा है और उस पर एक बार में कम से कम दो या दो से अधिक फसलों को उगाते हैं। और इसमें आप देख सकते हैं ये जो सब्जी जो फसल उगा रहे हैं उसमें गेहूँ, बाजरा, मक्का, आलू, ये सारी चीज़ें आ रही हैं। ओके, तो फिर आप देखेंगे आगे कि पालमपुर में एक वर्ष में किसान ज़्यादा से ज़्यादा फसलें उगाते हैं, क्योंकि ऐसा प्रतीत होता है कि वहाँ अब हरित क्रांति आ गई है। हरित क्रांति से पहले, जैसे कि आपने देखा था, हरित क्रांति से पहले वहाँ लोग परंपरागत खेती करते थे, और हरित क्रांति के अंतर्गत HYB प्रकार के जो बीज होते हैं उनका उपयोग किया जाता है। HYV जो बीज होते हैं, सीड्स होते हैं, वो हाई वैरायटीज़ यील्ड वैरायटी वाले होते हैं जिसमें बहुत ज़्यादा उत्पादन होता है। पहले परंपरागत ढंग से जो खेती की जाती थी उसकी अपेक्षा जो हरित क्रांति आई इसमें बहुत ज़्यादा उत्पादन होने लगा। और उत्पादन बढ़ाने का सीधा कारण है कि देश में बढ़ती हुई जनसंख्या, जिसके कारण बहुत ज़्यादा अनाज की आवश्यकता है। जो हरित क्रांति के अंतर्गत आ रहा है इसमें रासायनिक खाद कीटनाशकों की ज़रूरत होती है, और उन्नतशील बीज तथा सिंचाई के साधन तथा अन्य उपकरण भी शामिल किए जाते हैं जिससे ये उत्पादन किया जा सके। जहाँ तक भूमि की बात है तो गांव में हर व्यक्ति के पास भूमि नहीं है। कुछ लोगों के पास अधिक भूमि है, कुछ के पास कम भूमि है। गांव में जो 450 परिवार हैं इसमें भूमि का जो वितरण है वो कुछ इस तरह से है कि कुल 450 परिवार हैं, इनमें से आप देखेंगे कि कुछ लोग ऐसे हैं जिनके पास 2 हेक्टेयर से भी कम ज़मीन है। कितनी? 2 हेक्टेयर से भी कम ज़मीन है। और 60 परिवार ऐसे जिनके पास 2 हेक्टेयर से अधिक भूमि है, और जिनके पास 2 हेक्टेयर से कम भूमि है वे लोग अपने घरों पर अपने खेतों में काम करते हैं। उसके अलावा वो जो बड़े बड़े जमींदार लोग हैं उनके खेतों में काम करते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं ट्रैक्टर, ये जो है ये हरित क्रांति का प्रभाव दिखाई दे रहा है, और दूसरी तरफ जो किसान हल से खेती कर रहे हैं वो ये प्रतीत होता है कि ये परंपरागत खेती है और दूसरी तरफ हरित खेती है, हरित क्रांति के अंतर्गत आने वाली खेती है। आप देखेंगे इस गांव में जो भूमिहीन मजदूर हैं वो दूसरों के खेतों में काम करते हैं, और वो चाहते हैं कि उन्हें मजदूरी अच्छी मिलती रहे, तो वो काम करने के साथ साथ दूसरा काम भी तलाशते रहते हैं। किसानों के पास अधिकतर काम जो है जुताई और बुआई के समय पर ज़्यादा आता है। उस समय क्या होता है कि जो बड़े जमींदार हैं वे जब लोन देते हैं, लोगों को कर्जा देते हैं, तो उसी समय ये तय भी कर लेते हैं
कि जब उनके खेतों में काम होगा तो उन्हें कम मजदूरी पर ही अपने यहाँ काम करना पड़ेगा। जैसा कि ये कहानी जो है तेजपाल सिंह की, जो बड़ा किसान है, उसने कर्जा दिया है 3,000 रुपया और सविता के लिए, और 24% की दर से एंड 24% जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है उसके हिसाब से उसने पैसा दिया है। और साथ में उसने ये भी तय किया है कि जब कटाई का मौसम होगा उस समय श्रमिक के रूप में वो सिर्फ 100 रुपया ही मजदूरी लेगी, जो कम है क्योंकि उसका परिवार बड़ा है, उसको ये जिम्मेदारी है कि वो अपने परिवार का भरण पोषण करे। खेती के लिए पूंजी की आवश्यकता होती है, पूंजी में जैसे बीज खरीदना है, खाद खरीदना है, तो उसके लिए पैसे चाहिए, इसके लिए वो कर्ज लेते हैं बड़े किसानों से। और इसमें पाठ में बस यही बताने की जानकारी दी बताई गई है कि पालमपुर में गैर कृषि कार्य भी होते हैं, उसी कामों में डेरी एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें भैंस पाली जाती हैं, गाय पाली जाती हैं, उनके दूध को निकाला जाता है और किसान जो हैं ज्वार बाजरा चरी खिलाते हैं, दूध निकट के बड़े गांव रायगंज में बेचते हैं। शाहपुर के दो व्यापारी रायगंज में दूध संग्रहण यानी इकट्ठा करते हैं, कलेक्ट करते हैं और उसके बाद उसे कोल्ड करके दूर दराज के क्षेत्रों में भेजते हैं। गांव में जैसे कि मैंने आपको बताया था कि एक यहां पर विद्यालय भी हैं और स्वास्थ्य केंद्र भी हैं जिसमें हॉस्पिटल हैं, जिससे लोगों को अगर कोई दिक्कत होती है तो उन्हें देखा जाता है। पालमपुर के दुकानदार, इसमें जो दुकानदार हैं इनका काम होता है कि वो शहर से वस्तुएं लाएं और उनको ग्रामीण क्षेत्रों में बेचें, थोक बाज़ार से ये चीज़ें लाते हैं और रिटेल में बेचते हैं। और इसमें से चावल हो गए, गेहूं, तेल, ये चीज़ें जो हैं वहाँ से लाते हैं, बेचते हैं और उनका जो भी उनको बेचकर जो भी पैसा होता है उससे वो अपने काम चलाते हैं। इसमें किशोर की कहानी है। किशोर एक खेतहर मजदूर है, मजदूरी से ही अपने परिवार का भरण पोषण करता है। कुछ वर्ष पहले उसने बैंक से कर्ज लिया था, तो बैंक से लिया था तो थोड़ा बच भी गया होगा, लेकिन अगर उसने किसी और से ख़रीदा होता, वो सॉरी लोन लिया होता, तो उसे बहुत बड़ी परेशानी आने वाली थी। तो कुल मिला के ये पाठ यही है कि इस गांव में अच्छी तरह से खेती के काम होते हैं तथा अन्य काम भी होते हैं। इसके साथ ही मैं पाठ को समाप्त करता हूँ। थैंक्स।